मध्य प्रदेश में सांसद और विधायक के नाम पर फर्जी ट्रांसफर की नोटशीट भेजी जा रही है। सीएम हाउस में अभी तक ऐसी 27 नोटशीट आ चुकी है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े ट्रांसफर कांड का खुलासा हुआ है। भोपाल की सांसद समेत 3 सांसद और 1 विधायक के नाम पर नकली ट्रांसफर की नोटशीट का खुलासा हुआ है। इन सांसद और विधायक के नाम की नकली नोटशीट बनाई जाती थी, उसी के आधार पर नकली शीट के जरिए ट्रांसफर होता था। आपको वो नाम भी बताते हैं जिनके नाम पर फर्जी ट्रांसफर का खेल होता था। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, सांसद रोडमल नागर और विधायक रामपाल सिंह के नाम से ये नोटशीट लिखी जाती थी। जो पत्र प्राप्त हुए हैं वो जनप्रतिनिधियों के नाम से हैं और एक्चुअल में जबकि उनकी जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखे ही नहीं गए हैं वो पत्र। इसकी स्क्रूटनी करी गई, प्रथम दृष्टा परीक्षण किया गया, उसमें क्रॉस चेक करने के बाद ये पाया गया कि एक्चुअल में नोटशीट है नहीं है और जो फर्जी पत्र बनाकर यहाँ पर भेजे गए। सीएम कार्यालय की शिकायत और फर्जी नोटशीट के आधार पर भोपाल क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। हमारे द्वारा जब परीक्षण किया गया तो उसमें 3 सांसद महोदय और 1 विधायक जी हैं, उनके नाम पे जो है करीब 27 लोगों के सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की रिकमेंडेशन की गई है। तीनों से जब हमने क्रॉस चेक कर बात की तो उन्हें सभी ने बताया कि हमारे द्वारा लेख नहीं की गई है नोटशीट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।